नमस्कार दोस्तों, इस बार सक्सेस कर्व आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज एक रिवीजन क्लासेस लेकर आया है। आप इस रिवीजन क्लास के थ्रू हर एक चैप्टर को क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। ये वीडियोस बेसिकली कॉन्सेप्ट और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पर है, तो आप लोग इसको एंजॉय करेंगे आई होप। और यूनिट एंड डायमेंशन से पिछले साल जब एनटीए ने एग्जाम लिया था तो एक क्वेश्चन आया था, उससे एक क्वेश्चन आया था, तो इस बार भी उम्मीद है कि एक या दो क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन से मे भी हो सकता है। तो इस चैप्टर को हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें सारे यूनिट्स का फंडा क्लियर होना चाहिए। तो जैसे हम लोग किलो का जो सिंबल होता है के होता है, मेगा का एम होता है, गीगा का जी होता है, ये सब चीज पता होनी चाहिए। आप देखिए कि आप यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो सारे कैपिटल होते जा रहे हैं, और इधर से अगर आप नीचे आ रहे हैं तो सारे यूनिट्स स्मॉल लेटर से लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है ये। और यहाँ पर देखिए कि ओके, तो आप यहाँ पर देखिए कि किलो, जो किलो का पावर दिया हुआ है वो 10^3 है, ठीक है। तो किलो में आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, जैसे किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम या फिर किलो लीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए भी यूज कर सकते हैं, वेट के लिए भी यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस के लिए भी लिख सकते हैं, जैसे किलोमीटर, ठीक है। इसी तरीके से सब में हम लोग प्रीफिक्स जोड़ के और अदर अदर अलग अलग यूनिट हम लोग उसमें अगर जोड़ देते हैं तो वो यूनिट बन सकता है। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे डेका, ठीक है। तो डेका का पावर कितना है, 10^1। तो यहां पर एक ऐसा हम लोग यूनिट लिखेंगे इनके बीच में, ठीक है, जिसका पावर हो 10^0, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग ग्राम लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लीटर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग मीटर यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों से हम लोग बाकी प्रीफिक्स को ऐड करके सारे यूनिट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स जैसे चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है, तो ये चंद्रशेखर लिमिट जो है वो इक्वल टू होता है 1.4 times the mass of sun, ठीक है। अब कभी कभी पूछ देता है कि सोलर डे या फिर सोलर ईयर किस चीज का यूनिट है, तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो सोलर डे है, जो सोलर डे है वो टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन कंप्लीट रोटेशन, ठीक है। तो एक अपने एक्सिस पर जो अर्थ रोटेट करती है उसमें जितना टाइम लगता है उसको हम लोग सोलर डे बोलते हैं, यानी कि ये एक टाइम का यूनिट हो गया। इसी प्रकार बहुत सारे यूनिट्स के बारे में पूछा जाता है कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि वन लाइट ईयर किस चीज का यूनिट है। अब देखिए इसमें ईयर देखकर जनरली बच्चे ये सोचेंगे कि ये जो यूनिट है वो टाइम का है, बट ये डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है। तो कैसे ये डिस्टेंस का यूनिट हो गया, तो कहा जाता है कि इसका जो डेफिनेशन है वो ये है कि एक ईयर में, एक साल में जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है, एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो 3×10^8 meter 1 second में। तो 1 hour में, 1 minute में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, इंटू अगर हम इसमें 60 कर दे तो 1 minute का पता चल जाएगा, फिर इंटू अगर 60 कर दे तो 1 hour का पता चल जाएगा, फिर अगर इसमें हम 24 से मल्टीप्लाई कर दे तो 1 day का पता चल जाएगा, और फिर इसमें अगर हम 365 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 1 year में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, उतना मीटर ये जो भी यहां पर आएगा वो हो जाएगा लाइट ईयर इक्वल टू 1 light year, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए एक टास्क है, आप लोग इसका आंसर ढूंढ के रखिए कि यहां पर क्वेश्चन मार्क में हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब लूनर मंथ, तो इसी प्रकार से टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ
इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड लूनर मंथ, जो कि इक्वल होता है 27.3 डेज। ठीक है, 1 sec इक्वल टू 10^5 seconds, 1 atmospheric प्रेशर, जिसको हम लोग 1 bar से रिप्रेजेंट करते हैं, मर्करी से मेजर करते हैं, मर्करी का एटमोस्फेरिक प्रेशर, जो कि अगर हम उसको SI यूनिट में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 10^5 पास्कल, या फिर और भी जो प्रेशर की यूनिट है वो है टॉर, जिसको हम लोग 1 mm ऑफ HG से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि प्रैक्टिकल यूनिट है टॉर। अगर हम कभी भी प्रेशर को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो जनरली प्रैक्टिकल यूनिट टॉर है। और 1 bar में कितने टॉर हो सकते हैं, और कितने टॉर होते हैं, 760 टॉर। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ये पूछा जा सकता है कभी कभी। ठीक है, अब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिसका बेसिक फॉर्मूला है, उसका यूनिट है, उसका डायमेंशन है। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले शुरू करते हैं। जनरली 7 फिजिकल क्वांटिटीज होता है, तो अभी 2 इसमें नहीं दिए गए हैं, वो हम बताते हैं कौन कौन सा होता है। तो पहला है लेंथ। तो जो लेंथ को हम लोग बेसिक फॉर्मूला, तो लेंथ का तो बेसिक है, तो उसका एल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका यूनिट जो SI यूनिट होता है, ये जो भी दिया गया है वो SI यूनिट दिया गया है, वो होता है मीटर। फिर मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, करंट का एम्पियर और टेम्परेचर का केल्विन। ठीक है, तो इसका डायमेंशन भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जनरली हम लोग टेम्परेचर को के और थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर 2 और फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो 6 नंबर है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो लाइट की इंटेंसिटी होती है उसको हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी माना है। तो उसका जो यूनिट होता है वो कैंडेला होता है। ठीक है, उसका यूनिट कैंडेला। ठीक है, और एक और जो 7 नंबर है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो उसका जो यूनिट है वो होता है मोल। ठीक है, तो ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, इन्हीं सारे को मिला के हम लोग दूसरे क्वांटिटीज बनाते हैं। जैसे अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे जो डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पर देखिए डायमेंशन दिया हुआ है लेंथ का एल, लेकिन जनरली हम लोग जो बेसिक डायमेंशन फॉर्मूला यूज करते हैं वो 3 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करते हैं, जैसे एम, मास, एल, लेंथ और टी। ये जनरली इस फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे अगर हम लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे तो इस पर हम लोग 0 power यूज कर देते हैं। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, और लेंथ पर पावर 1 तो है ही। ठीक है, तो इसी फॉर्म में यूज करते हैं, और अगर एक्स्ट्रा कोई और चीज आती है तो उसको हम लोग इसमें इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो एग्जांपल से समझेंगे इसको। तो लेंथ और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ये सब तो लेंथ में ही मेजर होते हैं, तो इसके जो डायमेंशनल फॉर्मूला होंगे वो सब एल ही होंगे, बाकी सारे एम और टी पर पावर 0 होगा। अब आते हैं जैसे मास। तो अगर हम मास को लिखें, ठीक है, तो मास का जो डायमेंशन होता है वो होता है एम। तो इसको डायमेंशनल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट जब करेंगे तो एम पर पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, एम एल टी, तो इन तीनों के रूप में व्यक्त करना है, तो यहां पर एल पर पावर 0 और टी पर पावर 0 रख देंगे। उसी प्रकार अगर हम एरिया को रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो सकता है, अगर हम किसी भी चीज का एरिया निकाले तो वो 2 लेंथ जो होता है उसका मल्टीप्लीकेशन होता है। अगर हम सर्कल का भी निकाले तो एक पाई कांस्टेंट है और आर स्क्वायर, यानी कि 2 डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन। कोई भी किसी तरीके से आप एरिया निकालिएगा तो 2 डिस्टेंसेस का वो मल्टीप्लीकेशन होगा। तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा एल स्क्वायर। फिर इसको अगर हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला के रूप में लिखना चाहते हैं तो एम 0 एल स्क्वायर
टी जीरो, ठीक है। तो इसी प्रकार बहुत सारे जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, सबके डायमेंशनल फॉर्मूला होते हैं और उन सबको आपको निकालना सीखना होगा। जैसे मैं कुछ और एग्जांपल्स दे देता हूँ, स्पीड और या फिर वेलोसिटी दोनों की डायमेंशन सेम होगी। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का जो डायमेंशन होता है वो होता है एल और टाइम का डायमेंशन होता है टी, तो एल बाई टी। तो इसको अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला के रूप में लिखें तो इसमें मास नहीं है, यानी कि एम जीरो, एल वन पावर है और टी अपॉन में डिवाइडेड है, तो इसको अगर हम ऊपर लेके आएंगे तो माइनस वन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सारे यूनिट यूनिट्स के डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल और मैं यहां से देता हूं, जैसे आपको मोमेंटम, तो पहले कोई भी अगर आपको डायमेंशन निकालना है तो उसका कोई ना कोई एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ताकि आप उस फॉर्मूला को फॉर्मूला के हेल्प से उसका डायमेंशन निकाल सकें। तो यहाँ पे मोमेंटम है, ठीक है। तो मोमेंटम को हम लोग लिखते हैं मास टाइम्स वेलोसिटी, मास का डायमेंशन एम और वेलोसिटी या फिर स्पीड का डायमेंशन हमने अभी देखा एल अपॉन टी, तो यहां पर इंटू कर देंगे एल अपॉन टी, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस वन। तो दिस इज द बेसिक वे टू रिप्रेजेंट द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो एक डायमेंशनल फॉर्मूला कभी कभी पूछ दिया जाता है, जैसे जनरली जो पूछा जाता है वहां पे मैंने ये सब लिस्ट बना दिया है। तो जनरली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का पूछ दिया जाएगा, तो जैसे देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मैं आपको एक निकाल के दिखा देता हूँ, बाकी सारे आपको खुद से फॉर्मूला पता होने के बाद आप खुद ही निकाल सकते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फॉर्मूला, तो यहाँ से हमें फोर्स पता होना चाहिए कि फोर्स का डिफिनेशन क्या होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के साथ। तो F इज इक्वल टू कैपिटल जी एम वन इंटू एम टू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमको जी की डायमेंशन पता करनी है, तो जी को अगर हम इस साइड ले जाएं और एफ को इस साइड ले आए तो किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जी डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम लोग को ऊपर लिखना है तो जी पहले लिख लेते हैं, फिर ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर एम वन इंटू एम टू, ठीक है। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? फोर्स की डायमेंशन हमें पहले पता होनी चाहिए या फिर निकाल सकते हैं। अगर फोर्स की डायमेंशन आपको पता याद नहीं है तो आप निकाल सकते हैं फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन एम इंटू ए। तो मास तो एम रह जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? एम सॉरी एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू। तो फोर्स का ये डायमेंशन हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो एम एल टी माइनस टू और आर स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर है ये, तो इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास इंटू मास यानी कि मास का स्क्वायर। अब इस सबको हम लोग को अरेंज करके लिख देना है, तो m पर पावर 2 नीचे ऊपर में 1 है तो ये जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 में से माइनस 2 जाएगा माइनस 1, l इंटू एल स्क्वायर एल पर पावर 3 और t माइनस 2। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं क्लियरली कि ये डायमेंशनल फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग इस चीज का यूनिट्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे यूनिट्स निकालने के लिए ये सेम फॉर्मूला हमें पता होनी चाहिए, तो जी की यूनिट्स क्या यूनिट क्या होगी? तो एफ आर स्क्वायर एम एम वन इंटू एम टू। तो एक तो ऐसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फोर्स का जो यूनिट होता है वो है न्यूटन और आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर और डिवाइडेड में मास इंटू मास है तो मास का स्क्वायर यानी कि पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यूनिट्स या फिर डायमेंशन जो भी है, बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए और अगर फॉर्मूला पता है तो हम किसी भी तरह के डायमेंशंस को निकाल सकते हैं। और फॉर्मूला कैसे पता होगा? टाइम टू टाइम अगर आप सारे चैप्टर को रिवाइज करते जाए और उस पर बेस्ट कुछ कुछ न्यूमेरिकल करते जाए तो ऑटोमेटिकली सारे फॉर्मूलाज आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारे लिस्ट्स हैं, आप
कभी कभी डायरेक्टली भी पूछ देता है, तो इसमें से अगर आपको याद है कुछ तो बहुत अच्छी बात है, आपको डायरेक्टली पूछ दिया जाता है, तो आप डायरेक्टली टिक करके आ सकते हैं या फिर आपको फॉर्मूला से वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे डायमेंशंस हैं जो जनरली पता होने चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स को जो प्रिपेरेशन कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का एसआई यूनिट क्या होता है? तो टेंशन इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसका जो एसआई यूनिट हो जाएगा वो न्यूटन बाई मीटर और न्यूटन पर मीटर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस से पता करना है कि एन की वैल्यू कितनी होगी, और यहाँ पर दिया है स्पीड। तो स्पीड का डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन, और इस पर पावर है एन इक्वल टू प्रेशर अपॉन डेंसिटी। तो प्रेशर का जो डायमेंशन होता है वो होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू डिवाइडेड बाय डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। इस पर जो पावर है वो है 3/2 का। तो इसको सॉल्व करेंगे, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस करेंगे, यहाँ से एम एम कैंसिल, तो हमें एन की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये एल पर पावर 2 और टी माइनस 2 पर पावर 3/2। तो इसको अगर हम एल 3 करें और टी 3 हो जाएगा, तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो एल पर पावर एन टी पर पावर माइनस एन। तो अगर हम कंपेयर करते हैं एल को एल के पावर के साथ, तो एन इक्वल टू 3 और सेम टी का पावर कंपेयर करते हैं तो 3 ही आएगा, सो आंसर शुड बी 3। तो अब हम इन सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन रिड्यूस करेंगे। पहला पूछा है चार्ज का, तो चार्ज का होता है, चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और इसका फॉर्मूला होता है आई इंटू टी। तो हम लोग इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आई इंटू टी हो जाएगा और ए इंटू टी। चार्ज को ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन में और आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं हम लोग। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफ अपॉन क्यू। तो एफ का जो डायमेंशन होता है वो होता है एम एल टी माइनस टू, और क्यू को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए टी। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम एल, और टी एक ऊपर जाएगा माइनस, तो माइनस 3 और ए। ठीक है, तो अब थर्ड वन है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस निकालने के लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी का हमें निकालना है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, Q1 अपॉन Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एप्साइलन को अलग निकाल लें तो ये हो जाएगा Q1 अपॉन Q2 बाई एफ इंटू आर स्क्वायर। हम यहाँ से 1/4 पाई को रिमूव कर रहे हैं क्योंकि इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो Q1 इंटू Q2 यानी कि ए टी का होल स्क्वायर यानी 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, और यहाँ पर फोर्स का डायमेंशन जो होता है एम एल टी माइनस टू और एल स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम माइनस वन एल, एल यहाँ भी है यहाँ भी है, तो एल पर पावर -3 ऊपर लेके जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर टी का पावर 2 है तो ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि टी पर पावर 4 और ए। तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की डायमेंशन हो जाएगी। चौथा पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी चौथा पूछा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो वर्क वर्क का जो डायमेंशन होगा वो होता है एम एल स्क्वायर
टी माइनस टू अपॉन क्यू, क्यू का अभी हमने निकाला ए टी, तो यहां से हम लोग इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन। फिर पांचवा है हमारा कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस क्यू इज इक्वल सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी, ठीक है, तो क्यू हमारा चार्ज है यानी कि ए टी, और बी पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल का भी हमने यहां से निकाला, तो इसको हम यहां पर पुट कर देंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, तो जो कैपेसिटेंस का डायमेंशन निकलेगा वो हो जाएगा एम माइनस वन एल माइनस टू, टी ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो टी पर पावर फोर, और ए भी ऊपर जाके प्लस होगा ऐड होगा तो ए स्क्वायर। सो इस प्रकार से हम सारे डायमेंशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें फॉर्मूलाज पता हो, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, टेकिंग मोमेंटम मास एंड लेंथ, ठीक है, तो मोमेंटम पी मास और लेंथ को हम लोग को फंडामेंटल यूनिट कंसीडर करना है और हमें टाइम का डायमेंशन पता करना है, ठीक है, तो हमें टाइम की डायमेंशन पता करनी है इन टर्म ऑफ मोमेंटम मास एंड लेंथ, ठीक है, तो हमें कोई एक ऐसा फॉर्मूला होना पता होना चाहिए जिसमें ये सारे टर्म आते हो, ठीक है, तभी हम टाइम का डायमेंशन पता कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होता है एम वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एल अपॉन टी, तो यहां से हम टी का डायमेंशन निकाल सकते हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला हो गया वो मोमेंटम पी एम एल अपॉन टी है, तो यहां से हम टी को क्या लिख सकते हैं डायमेंशन इसके टर्म में एम एल और डिवाइड हो जाएगा पी, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं एम एल पी माइनस वन, तो जो टी का डायमेंशन आएगा इन तीनों के टर्म में वो ये आएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सो इस क्वेश्चन में पूछा है कि डिटरमाइन द यूनिट ऑफ मास और बाकी सारे यूनिट्स बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटीज का दिया हुआ है, लेंथ का है 1 किलोमीटर, यूनिट ऑफ फोर्स इज किलो न्यूटन एंड यूनिट ऑफ टाइम इज 10 सेकंड, तो हमें पता है मास इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, और इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को एल अपॉन टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर हमारा ऊपर चला जाएगा, तो इसको हमको कन्वर्ट कर देना है, तो फोर्स दिया हुआ है 1 किलो न्यूटन, तो 1 किलो न्यूटन को हम लोग न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 हो जाएगा, सेकंड को 10 सेकंड दिया है तो 10 इंटू 10 करेंगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट होगा, और जो लेंथ दिया हुआ है वो है 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 से हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 1000 कैंसिल हो जाएगा और 10^2 kg जो होगा वो यूनिट ऑफ मास होगा, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, तो हमें इसका डायमेंशनलिटी कंसिस्टेंसी चेक करना है, तो वी स्क्वायर यानी कि वेलोसिटी का स्क्वायर, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है एल टी माइनस वन और इसका स्क्वायर, ठीक है। फिर u, u भी एक वेलोसिटी है जिसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, तो l t माइनस वन और इसका स्क्वायर। अब आते हैं 2as, 2 तो एक कांस्टेंट है तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होता है वो होता है l t माइनस टू, ठीक है, और s यानी कि एक डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का डायमेंशन l, ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये सारे मतलब सही है कि नहीं, जैसे सिमिलर में सिमिलर चीजें ऐड करते हैं, यानी कि इसका जो डायमेंशन होना चाहिए वही डायमेंशन इसका होना चाहिए, और इक्वल है तो इसका भी सेम डायमेंशन होना चाहिए, तो देख लेते हैं एल स्क्वायर टी माइनस टू, यहाँ से भी निकालेंगे तो एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये दोनों सही है,
और तीसरे वाले को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये डायमेंशनलिटी चेक ये बताता है कि ये फॉर्मूला वैलिड हो सकता है, ठीक है। अगर डायमेंशनली कोई फॉर्मूला गलत होता है तो वो कभी सही नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस चेक द एक्यूरेसी ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पर हमें फिर से वही काम करना है कि डायमेंशन को चेक करना है। ओके, तो एच यहाँ पर हाइट टू विच द लिक्विड रेज इन कैपिलरी। तो एच जो है, एच का डायमेंशन क्या हो जाएगा, हाइट यानी कि लेंथ। कोई एक डिस्टेंस में ही मेजर करेंगे हम हाइट को, ठीक है। तो अब हम लेफ्ट साइड का हमें पता हो गया, अब हम राइट साइड में आते हैं। टू जो कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। टी सरफेस टेंशन है, तो हमने सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो जो टी का डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा एम फोर्स एल अपॉन एल। तो ये वन माइनस वन जीरो और टी माइनस टू। अब यहाँ पर कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो इसको भी हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब आते हैं डिवाइडेड बाय आर। आर रेडियस ऑफ कैपिलरी है तो उसका डायमेंशन हो जाएगा एल। डी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा एम अपॉन एल क्यूब इंटू जी। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होगा वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी डायमेंशन होगा, तो एल टी माइनस टू। तो यहां से एक एल स्क्वायर तो यहाँ पे कट जाएगा, सिर्फ एल बचेगा। तो इसको हम लोग थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं, एम एल जीरो, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, टी माइनस टू। और नीचे में जो बचेगा एम, एक एल अगर हम यहाँ पर ऊपर लाते हैं तो माइनस वन, और यहाँ पर टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एम से एम कैंसिल और एल ऊपर जाके एल ही, एल माइनस वन ऊपर जाके एल आएगा। तो यहां से हमने ये चेक किया कि ये दोनों डायमेंशनली सही है, यानी कि ये इक्वेशन सही हो सकता है क्योंकि ये डायमेंशनली सही है, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय डायमेंशन। तो यहां पर लैम्डा, तो लैम्डा क्या होता है, डिस्टेंस होता है। जैसे लैम्डा को हम लोग डिफाइन करते हैं कि कोई भी एक वेवलेंथ है, इन दोनों का एक सर्कल पूरा करने में जो डिस्टेंस कवर होता है उसी को हम लोग लैम्डा कहते हैं, ठीक है, एक साइकिल पूरा होने में। तो लैम्डा एक डिस्टेंस है, यानी कि इसका डायमेंशन हो जाएगा एल। एच स्क्वायर एक एच प्लैंक कांस्टेंट है, तो हम लोग एच इक्वल टू एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से हम एच की डायमेंशन निकाल सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है, टी माइनस वन, और ये एनर्जी है। तो एच की जो डायमेंशन हो जाएगी एनर्जी अपॉन टी माइनस वन। तो एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन टी माइनस वन। तो t माइनस वन एक ऊपर जाएगा तो इसको प्लस हो जाए, इसको प्लस कर देगा, यानी कि एक पावर माइनस टू की जगह माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डायमेंशन हो गया h का। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं m l स्क्वायर t माइनस वन, और फिर नीचे में m b है, तो m और v से वेलोसिटी l t माइनस वन। m से m कैंसिल, एक एल से एक एल कैंसिल, और टी माइनस वन इक्वल है, यानी यहाँ भी एल आ गया, यानी कि ये फॉर्मूला भी है जो डायमेंशनली सही है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय वाई इक्वल टू ए साइन
ओमेगा टी माइनस के एक्स, वेयर टी स्टैंड्स फॉर टाइम एंड एक्स फॉर डिस्टेंस, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ओमेगा एंड के। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए यहां पर वाई और ए, ठीक है, और ये साइन जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो जो डायमेंशन वाई की होगी वही डायमेंशन ए की होगी, क्योंकि साइन अपने आप में एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होना चाहिए, तभी दोनों डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन पाएंगे। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसको अगर हमें डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनाना है, ठीक है, तो ओमेगा इंटू टी, तो टी का जो इनवर्स होगा वही जो डायमेंशन होगा ओमेगा का होना चाहिए। तो टी का डायमेंशन टी है, टाइम का डायमेंशन टाइम, तो ओमेगा का डायमेंशन टी माइनस वन होना चाहिए। इसी प्रकार के एक्स, तो एक्स का डायमेंशन एल है, तो के का डायमेंशन के इनवर्स होना चाहिए, तभी ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन पाएंगी। तो यहाँ से इस तरीके से हम लोग डायमेंशंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसमें कह रहा है द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ डिपेंड्स अपॉन ऑन द मास एम ऑफ अ पार्टिकल, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आर एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस डिराइव द रिलेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, टेक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट टू बी वन। तो इसमें क्या करना है कि डायमेंशनल एनालिसिस से हमको ये सॉल्व करना है। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू किस किस चीज के प्रोपोर्शनल दिया है, मास ऑफ अ पार्टिकल, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हम वन डाल के इक्वल टू कर सकते हैं एम आर ओमेगा। अब हमें इसका फॉर्मूला पता करना है, एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होगा। तो एम पर पावर ए डाल देंगे, आर पर पावर बी डाल देंगे और ओमेगा पर पावर सी डाल देंगे, तो ए बी की जो वैल्यू मिलेगी उससे हम लोग इसकी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है, बी इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, आर ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल टू बी अपॉन आर। तो बी की जो डायमेंशन होती है वो होती है एल टी माइनस वन और आर की एल, तो ओमेगा की जो डायमेंशन हो जाएगी वो टी माइनस वन हो जाएगी। और फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो होती है एम एल टी माइनस टू, और मास की डायमेंशन तो एम ही रहेगा, एम पर पावर ए आर, आर यानी कि रेडियस, इसकी डायमेंशन हो जाएगी एल, और ओमेगा की डायमेंशन टी माइनस वन, और इस पर पावर हम लोग सी डाल देते हैं। अब ए बी और सी को अगर हम कंपेयर करें तो हमें ए बी सी की वैल्यू पता चल जाएगी और उससे हमने फॉर्मूला पता चल जाएगा। तो एम को पहले एम के साथ कंपेयर करते हैं, तो एम को अगर एम के साथ कंपेयर करेंगे तो इस पर पावर ए है और इस पर पावर वन है, तो ए इक्वल टू वन। फिर बी, बी यहाँ पर एल पर पावर बी है और एल पर पावर वन है, तो यहां पर हो जाएगा b इक्वल टू वन। अब यहां पर देखिए t पर पावर माइनस वन इंटू सी और यहां पर t पर पावर माइनस टू, तो c इक्वल टू हो जाएगा माइनस सी और यहां पर माइनस टू, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट और c इक्वल टू टू। तो अब हम जो फॉर्मूला यहां से बना सकते हैं वो होगा f इक्वल टू एम आर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो गया अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, एसआई यूनिट ऑफ मोलर गैस कांस्टेंट इज, तो एसआई यूनिट मोलर गैस कांस्टेंट का पूछा है। तो मोलर गैस कांस्टेंट का जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं वो लिखेंगे पीवी इक्वल टू म्यू आर टी। यहां से हमें आर का एसआई यूनिट पूछ रहा है, तो पी टाइम्स बी क्या होता है, ये होता है वर्क डन, वर्क डन, P टाइम्स भी वर्क डन होता है, और इसका जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा एसआई में जूल। तो हमें R का यूनिट निकालना है, तो R इक्वल टू लिख सकते हैं P B बाई
म्यू टी, ठीक है, तो यहां से पीवी हो जाएगा जूल और म्यू टी, म्यू क्या है मोलर मोल है, तो ये हो जाएगा मोल, और यहां पर टी क्या है टेम्परेचर है तो केल्विन, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो जो आंसर मैच कर रहा है वो है ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट चॉइस, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इसी तरीके का क्वेश्चन सीवी सेट में पूछेगा, और मेरा उम्मीद है कि इसी टाइप का कोई ना कोई एक क्वेश्चन इस बार भी सीवी सेट में जरूर आएगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए P इक्वल टू अल्फा बाय बीटा, तो हम लोग जानते हैं कि E एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है, तो जो अल्फा बाय बीटा का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन P का होगा, ठीक है। लेकिन अल्फा का डायमेंशन हमें कहां से पता करना पड़ेगा, यहां से, चूंकि ये पूरा एक अपने आप में डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो नीचे का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन नीचे का जो डायमेंशन होगा वही ऊपर का भी डायमेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो अल्फा जेड इज इक्वल टू के थीटा, ये दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो अल्फा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं के थीटा बाई जेड। अब यहाँ पर के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का हमें डायमेंशन पता होना चाहिए, तो हम लोग लिखते हैं एनर्जी इक्वल टू के टी, तो के यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो ई अपॉन टी कर देंगे, ठीक है। एनर्जी, तो ये ई एनर्जी है, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ओके ये टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का डायमेंशन हम थीटा के टर्म में लिखेंगे, तो एनर्जी का पहले लिखते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और ये थीटा, ठीक है। तो ये के का डायमेंशन हो गया, तो इसको अरेंज करके लिख दे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे थीटा माइनस वन, ठीक है। तो यहां पर हमें अल्फा के का डायमेंशन पता चल गया, तो अल्फा का हम लोग निकाल सकते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस टू थीटा माइनस वन, और यहां पर एक ऑलरेडी थीटा दिया हुआ है थीटा, और जेड जेड का डायमेंशन पोजीशन है तो लेंथ हो जाएगा, तो थीटा से थीटा कैंसिल, एल एक से एक एल रिड्यूस हो जाएगा, तो जो अल्फा का डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, ठीक है। तो अल्फा का पता चल गया, तो अब देखिए ये जो पी का डायमेंशन है वही इन दोनों के रेशियो का डायमेंशन होना चाहिए, तो पी क्या है प्रेशर है, तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और अल्फा का हमें पता चल गया है एम एल टी माइनस टू और बीटा, तो यहां से हम बीटा का डायमेंशन इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस टी पावर टू है, टी पावर माइनस टू है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बीटा इक्वल टू हो जाएगा एल माइनस एल पावर माइनस वन, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर देखिए जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, एम पर पावर जीरो एल स्क्वायर टी माइनस जीरो, ठीक है। अब आते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर किसको बोलते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि कुछ नंबर दे देगा और पूछेगा कि उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो उसके कुछ रूल्स है जो हम लोग एक एक करके देखते हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ठीक है, जैसे 841 या फिर 241.26, ये सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा 1, 2, 3 हो जाएंगे, इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, तो इस एग्जाम्पल में भी जो दिया हुआ है उसका सिग्निफिकेंट होगा 5। All zero zeros between two non-digits zero are significant. तो दो digits के बीच में जितने भी non-digits number के बीच में जितने भी zeros होंगे वो significant होंगे। तो जैसे इसमें 3 zeros हैं but ये दोनों number के बीच में हैं, तो ये सारे significant में count होंगे। तो इसका जो significant figure हो जाएगा वो हो जाएगा 6। तो अगर decimal ना भी रहे जैसे 804, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट नंबर होगा वो होगा 3।
ऑल जीरोस टू लेफ्ट ऑफ अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट। तो कोई भी एक हम डेसिमल पॉइंट लेते हैं तो उसके लेफ्ट साइड में जो भी जीरोस होंगे, ओके डेसिमल पॉइंट, बट टू राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स नंबर। तो कोई भी एक राइट में नॉन जीरो डिजिट्स, जैसे 800 और इधर डेसिमल के पहले अगर जीरो लगा हुआ है, आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कोई हम डिजिट लिख देते हैं 6, तो ये सारे जो जीरो है वो नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट है, नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, इसमें ये दोनों जीरो है वो नॉन सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 1 और यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 1। बट जीरोस टू लेफ्ट ऑफ अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट्स बट टू राइट ऑफ नॉन जीरो डेसिमल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट इफ दे केम फ्रॉम मेजरमेंट। तो अगर ये जो दूसरे केस में ये कह रहा है कि अगर ये जो जीरोस हैं हमने मेजरमेंट से अगर प्राप्त किया है कि ये जीरो आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ भी मेजरमेंट से प्राप्त किया है कि ये जीरो आ रहे हैं, तो ये सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ठीक है, सपोज हमने 100 मीटर किसी चीज को मेजर किया, ठीक है, तो ये मेजर करके हमारा 100 आया है। ठीक है, तो इस केस में ये दो जीरो डिजिट्स के राइट में होने के बावजूद चूंकि हमने मेजर करके इसको लाया है तो ये सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये मेजरमेंट से आ रहे हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि सिग्निफिकेंट कब मानेंगे और कब नहीं मानेंगे। तो सिंपल सा फंडा है कि कहीं भी अगर मान लीजिए आर्बिट्ररी दिया है जीरो तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, लेकिन अगर कह रहा है कि हमने मेजरमेंट से इसको प्राप्त किया है तो उसको सिग्निफिकेंट मानना पड़ेगा। तो जैसे एक एग्जांपल भी दिया है यहाँ पे, अगर 400 ऐसे ही लिख देता कि 400 तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा, लेकिन 400 मीटर कह रहा है यानी कि हमने इम्फेसिस दिया है कि इसको हमने मेजर किया है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट जो होगा वो हो जाएगा 3। अब आते हैं नेक्स्ट, ऑल जीरोस टू लेफ्ट ऑफ एन एक्सप्रेस्ड डेसिमल पॉइंट्स एंड टू राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो जैसे देखिए कोई भी एक डेसिमल पॉइंट हम लेते हैं, ठीक है, और इसके लेफ्ट में कुछ हम जीरोस लगा देते हैं, ठीक है, और जैसे 1000 और यहाँ पर डेसिमल है, ठीक है, तो डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो जीरोस हैं और चूंकि पहले एक नंबर है तो ये सारे जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। तो यहाँ पर भी एक एग्जांपल से समझाया है, 307000 डेसिमल, तो यहाँ पे ये सारे नंबर सिग्निफिकेंट हो जाएगा, 3 और 3 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है, ऑल जीरो टू राइट ऑफ डेसिमल, राइट ऑफ डेसिमल, ठीक है, राइट ऑफ डेसिमल ये हो गया कि डेसिमल लिया और इसके राइट साइड में जैसे मान लीजिए हमने 3 0 लगाया, बट लेफ्ट टू नॉन जीरो, लेफ्ट टू नॉन जीरो, अगर यहाँ पे नॉन जीरो नंबर लिखते हैं जैसे 7 और इसके लेफ्ट में जो डिजिट लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी हम 7 लिख देते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये नॉन सिग्निफिकेंट होगा। तो जैसे ये जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, नॉन सिग्निफिकेंट होगा, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 1 और यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। दिस रूल में आल्सो बी एक्सप्रेस्ड अंडर ऑल जीरोस टू लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। एज एग्जांपल 0.000345 एम कंटेंट्स ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर जो हमने अभी यहां पर बात किया। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट द सिंगल जीरो कन्वेंशनली प्लेस्ड टू लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट्स इज नेवर सिग्निफिकेंट। तो जैसे हम लोग कभी भी डेसिमल लगाते हैं तो इसको ऐसे ऐसे करके नहीं छोड़ देते हैं, एक कन्वेंशनली हम यहाँ पर एक जीरो लगा देते हैं, तो इसको भी काउंट नहीं करना है सिग्निफिकेंट फिगर में। 6 नंबर पॉइंट कर रहा है, ऑल जीरोस टू लेफ्ट ऑफ डेसिमल एंड टू राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर डेसिमल के बाद एक जीरो है, तो इसको हम लोग क्या काउंट करेंगे, तो देखा कि बिल्कुल काउंट नहीं करते। लेकिन अगर कोई डिजिट है और उसके बाद में भी बाद में जीरो है तो इस जीरो की सिग्निफिकेंट
सिग्निफिकेंसी है। तो इस चारों नंबर को हम लोग सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। यहां भी डेसिमल के बाद जो दो जीरो है वो सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है कि कब कौन सा डिजिट सिग्निफिकेंट, कौन सा जीरो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा, कौन सा नहीं काउंट होगा, ठीक है। और दूसरी बात कि यूनिट बदल देने से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट वैरी विद द चॉइस ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं तो यहाँ पे हमें समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो है 600900। तो यहाँ पे ये 9 के बाद जो दो जीरो है ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगे। तो इस चीज का सिग्निफिकेंट, इस डिजिट का सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेसिमल लगा दिया है तो इधर का जितना भी सारा डिजिट है इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, एड काउंट करना पड़ेगा एज ए सिग्निफिकेंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 6। इसमें तो सारे नंबर ही है तो ये सारे सिग्निफिकेंट है 4। यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद 8, 5 और 0 है, तो डेसिमल के बाद नंबर के बाद कुछ जीरो है तो उसको सिग्निफिकेंट में हम लोग काउंट करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका सिग्निफिकेंट हो जाएगा 6। अब यहाँ पर देखिए पहले नंबर आया है फिर डेसिमल के बाद जीरो है, तो चूंकि पहले नंबर आ चुका है इसलिए इस जीरो को भी हमें सिग्निफिकेंट में काउंट करना पड़ेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका सिग्निफिकेंट 6। सिमिलरली इसका भी सिग्निफिकेंट 4। लेकिन यहाँ पर देखिए जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो जाएगा 1, यहाँ पर सिग्निफिकेंट कितना होगा 4, यहाँ पर 3। इस 10^24 को ऐड नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये साइंटिफिक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसका सिग्निफिकेंट हो जाएगा 3। यहाँ पर देखिए इस जीरो को हम लोग सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे तो इसका सिग्निफिकेंट हो जाएगा 2। इस क्वेश्चंस में ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है तो इसका सिग्निफिकेंट हो जाएगा 3। इसमें देखिए ये 400 मीटर स्पेशली लिखा हुआ है कि हमने मेजर किया है किसी एक सर्टेन यूनिट में तो इसका सिग्निफिकेंट हो जाएगा 3, ठीक है। सॉरी, अब यहाँ पर देखिए कुछ नंबर है, डेसिमल है, फिर जीरो है, यानी कि इसका सिग्निफिकेंट है। तो 1, 2, 3, 4, 5, इसका सिग्निफिकेंट हो जाएगा 5। यहाँ पर 3, 2, 5, क्योंकि इस पॉइंट से पहले नंबर्स है तो इसका सिग्निफिकेंट हो जाएगा। यहाँ पर सिग्निफिकेंट होगा 1, यहाँ पर इसको काउंट नहीं करेंगे 1, 2, 3, यहाँ पर भी इन दोनों को काउंट नहीं करेंगे लेकिन ये दोनों काउंट होगा तो 2। यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट 2, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, ठीक है। यहाँ पर देखिए इन सबको काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट में, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्निफिकेंट 4। तो इसी प्रकार से जो भी क्वेश्चन आएगा सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करने के लिए हम पता करते हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन है तो देखिए यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ है सब यूनिट के साथ 0.04 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट किसको हम काउंट करेंगे, सिर्फ 4 को, तो यहाँ पर 1 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1, ठीक है। अब आते हैं 2 क्वेश्चन, 2 में है 2.64 × 10^24 kg, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने दिखाई दे रहे हैं, 3, ठीक है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है 0.02370, ठीक है, और जो भी यूनिट है, तो यहाँ पर ये जीरो का सिग्निफिकेंट हम लोग काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 4 नंबर। 6.320, यानी कि इसमें चारों को हमें काउंट करना पड़ेगा। 5 नंबर 6.032, इसमें भी चारों डिजिट सिग्निफिकेंट है, ठीक है। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर ये तीनों को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ ये चार ही काउंट होंगे तो इसका सिग्निफिकेंट हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 7, तो 2.000, यानी कि हम स्पेशली मेजर कर रहे हैं डेसिमल के बाद तीनों सिग्निफिकेंट को,
तो इसका सिग्निफिकेंट हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 8, अगर किसी एजम्पशंस लेते हैं इसको इस डिजिट को, तो इसका सिग्निफिकेंट हो जाएगा 2। ठीक है, तो 2 कब होगा? जब हम किसी एजम्पशन से 5100 केजी लिखते हैं तब होगा, और अगर हमने मेजरमेंट करके इतना लिखा है तो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4। अब आते हैं 9 नंबर। 9 नंबर पर है पॉइंट के बाद ये 0 है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, सिर्फ यहाँ पर ये दोनों सिग्निफिकेंट होंगे, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो जाएगा 2। ठीक है, अब नंबर्स को राउंड ऑफ कैसे करते हैं? ठीक है, व्हाइल राउंडिंग ऑफ मेजरमेंट्स द फॉलोइंग रूल्स आर अप्लाइड। रूल नंबर 1 क्या कहता है? इफ द डिजिट्स टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5, देन प्रीसीडिंग डिजिट शुड बी लेफ्ट अनचेंज्ड। ठीक है, जैसे जैसे हमें 7.34 को 1 डिजिट्स के राउंड ऑफ में लिखना है, तो चूंकि ये वाला डिजिट, इस डिजिट को हमको राउंड ऑफ करना है, तो ये डिजिट अगर 5 से कम है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 7.3 ही रह जाएगी। ठीक है, ओके, दूसरा एग्जांपल भी यहां पर दिया हुआ है। अब आते हैं रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है? इफ द डिजिट्स टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट शुड बी रेज्ड बाय 1। तो एग्जांपल है हमारा 17.26। अब देखिए ये डिजिट जो है वो 5 से ज्यादा है, तो इस डिजिट को अगर हमको राउंड ऑफ करके लिखना है तो हम लोग इसको एक इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है। ठीक है, रूल नंबर 3, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन 0, देन द प्रीसीडिंग डिजिट शुड बी रेज्ड बाय 1। तो यहां पर देखते हैं कि 7.351 on being round off to decimal becomes 7.4। तो इस डिजिट को हमको राउंड ऑफ करके लिखना है, तो डिजिट्स, तो इस डिजिट को हम लोग एक रेस्ट करके लिख देंगे। तो यहां पर देखिए इस डिजिट को 5 है, तो इसको हम लोग एक रेस्ट करके 2 कर देंगे। ठीक है, रूल नंबर 4, इफ द डिजिट्स टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज नॉट चेंज इवन इफ इट इज इवन। अगर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखने के लिए कि जैसे पिछले वाले में क्या था कि इस 5 के बाद कोई डिजिट था और हमको इस डिजिट तक राउंड ऑफ करना था, तो स्पेशली अगर 5 के बाद कोई डिजिट है और इसको राउंड ऑफ करना है तो एक इंक्रीज करके हम लोग राउंड ऑफ करते हैं। लेकिन यहाँ पर 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है यानी कि 0 है, तो इस केस में ध्यान देते हैं कि अगर इवन नंबर है तो उसको हम लोग इवन करके ही छोड़ देते हैं, अगर ऑड है तो उसके लिए क्या करेंगे कि एक रेज करके उसको लिखते हैं। तो रूल नंबर जो 5 में लिखा हुआ है, तो रूल नंबर 4 में कह रहा है कि अगर 3.45 है यानी कि 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो ये जो डिजिट अगर इवन है तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, राउंड ऑफ करेंगे 3.4। अगर यही डिजिट 3.35 होता तो यहाँ पे चूंकि 5 है और यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है और ये ऑड है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इवन कर देंगे, नेक्स्ट प्रीसीडिंग इवन जो भी इसका नेक्स्ट होगा, तो इसको 3.4 के टर्म लिखेंगे। तो जैसे 7.75 होता, ठीक है, तो इसको हम लोग इंक्रीज कर देंगे क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो इसको हम लोग इवन के टर्म में लिखेंगे, तो 7.8 इसको लिखेंगे। तो ये होता है राउंड ऑफ करने का तरीका। अब कुछ क्वेश्चंस एरर पर बेस्ड और इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो पहले बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग लेंथ? तो देखिए यहाँ पर 11.5 प्लस माइनस जो एक्यूरेसी है मेजरमेंट करने की वो है 0.1 सेंटीमीटर एंड 7.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डिफरेंस इन लेंथ जो हम करेंगे, ठीक है, तो ये जो डिजिट है, डिफरेंस करें या फिर ऐड करें,
ये ऑलवेज ऐड होंगे, ठीक है, ओके। इस चीज को इसलिए इस चीज को ध्यान में रखना है, और चूंकि इसलिए हम लोग इस चीज को ऐड अप कर रहे हैं क्योंकि जब हमने मेजरमेंट लिया था तो इतनी अनएक्यूरेसीज थी वो फर्स्ट वाले में भी जब हमने मेजर किया और दूसरे वाले में भी, तो अनएक्यूरेसीज एक्यूरेसी में चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है, वो अनएक्यूरेसीज और बढ़ते जाएगा। तो जब भी हम दो अनएक्यूरेट चीजों को माइनस करें या ऐड करें, हमेशा अनएक्यूरेसीज को ऐड करेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इक्वल टू 0.2 माइक्रोफेराड विथ एरर इज चार्ज विथ अ वोल्टेज वी इक्वल टू 20 वोल्ट। तो यहां से अगर विदाउट इनकॉर्पोरेशन ऑफ एरर अगर हम फाइंड आउट करें Q, तो Q इक्वल टू हो जाएगा C टाइम्स V, दैट मींस 2 इंटू 10 पर पावर माइनस 6, और बेटर हम इसको ऐसे लिखें, वोल्ट, तो ये मिलके कूलम हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 40 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम। ये विदाउट एरर इनकॉर्पोरेशन है। तो अगर मल्टीप्लीकेशन में हमको एरर पता करना है कि आफ्टर मल्टीप्लीकेशन जो नया वैल्यू आया है उसमें कितना एरर होगा, तो हमको हम इसको इस तरह से निकाल सकते हैं कि 0.01 जो एरर है वो कितने में है, वो 2 में है। यानी कि यहां से अगर हम देखें, यहां पर देखें तो 0.2 में जो एरर है वो 0.1 का है, इसलिए 1 में कितना हो जाएगा 2/0.1 और 20, ठीक है। तो इसको अगर हम परसेंटेज में चेंज करें तो 1/20 इंटू 100 इक्वल टू 5%। तो इसमें सी में जो एरर है वो 5% का है। इसी प्रकार हम बी में एरर पता करेंगे, तो 0.2 × 20, ओके। तो 1 में 1 वोल्ट में कितना एरर होगा, 20/0.2, दैट मींस 200/2, यानी कि 1 में 100%। दैट मींस अगर इसको परसेंटेज में हम चेंज करें तो 1/100 × 100 ये हो जाएगा 1% का एरर है इसमें, ठीक है। तो Q में कितना का एरर होगा, 5% + 1% का एरर हो जाएगा, यानी कि टोटल एरर जो होगा वो 6% का होगा। तो Q हमारा है 40 × 10⁻⁶ ±6%। इस 6% को अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज करें, ठीक है, तो 6% ऑफ 40 इक्वल टू 2.4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 ± 2.4 × 10⁻⁶ कूलम्ब, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर एरर से क्वेश्चन आता है तो बहुत बार इस टाइप से ही आता है। फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेबल्स A, B, C एंड D as follows। तो कोई भी एक P फिजिकल क्वांटिटी है जो कि A, B, C और D पर इस तरह से वेरी करता है, ठीक है। तो इसमें जो पावर्स होते हैं उसको हम लोग P के एरर के टर्म में इस तरह से डिफाइन करते हैं, एरर इन P इक्वल टू जो भी पावर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है 3 टाइम्स एरर इन A प्लस 2 टाइम्स एरर इन B प्लस ये रूट है तो हाफ हो जाएगा, और यहां पर प्लस होगा। अगर डिवाइड में है तभी भी हम प्लस ही यूज करेंगे क्योंकि एरर ऑलवेज एडिटिव, एरर आर ऑलवेज एडिटिव, ठीक है। प्लस D पर कोई 1 पावर है तो 1 से मल्टीप्लाई रहेगा यहाँ पर। तो इस तरह से हम एरर फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है कि ए में कितना परसेंट है, बी सी और डी में कितना परसेंट है, तो एरर इन हम पी निकाल सकते हैं। तो ये 3 टाइम्स इंटू 1% ए में एरर है,
टू टाइम्स इंटू 3%, ये बी में एरर हो गया, हाफ इंटू 4% प्लस 1 into 2%। इन सबको अगर हम कैलकुलेट करें तो 3 और 2 टाइम्स 3 6, और यहाँ से 2, यहाँ से 2, 2 2 4, 4 6 10 3 13%। तो इस पी में जो एरर आएगा वो हो जाएगा 13% का। अब नेक्स्ट पार्ट कह रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ पी इज कैलकुलेटेड यूजिंग द अबव रिलेशन टर्न आउट टू बी, तो जो पी का कैलकुलेटेड रिलेशन अगर सपोज कर रहा है कि 3.763 है, तो इसको हम लोग राउंड ऑफ में कितना लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि इसको राउंड ऑफ करना है तो इस नंबर को देखेंगे कि ये 5 से ज्यादा है कि नहीं, अगर ज्यादा है तो एक इंक्रीज कर लिख देते हैं। तो इसका जो राउंड ऑफ वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 3.8। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल पहले की तरफ है और आप देख सकते हैं कि ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, अ फिजिकल क्वांटिटी ए इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेबल्स, बेसिकली पिछले की तरह है लेकिन यहाँ पर सी की जगह डी पर पावर है और ये सारे परसेंटेज वैल्यूज चेंज है। ठीक है, तो सिंपली ए में जो एरर होगा वो 2 टाइम्स ए का एरर होगा, तो ए में एरर है 1% का प्लस बी, 3 इंटू बी है 3% का प्लस, और सी में 1 टाइम्स है तो 2% प्लस हाफ इंटू 2%, ये डी में एरर है। इन सबको अगर हम कैलकुलेट करें तो यहां से 2%, यहां से 9%, फिर यहां से 2% और यहां से 1%, 9 × 10 दोबारा दो 14%, तो 14% इसका आंसर है। सो ई शुड बी द राइट आंसर। ओके, अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मीन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम, तो यहाँ पर 5 डेटा दिए हुए हैं, इससे हमें मीन पीरियड ऑफ पेंडुलम निकालना है। तो टी मीन इक्वल टू 2.63, ये सारे डेटास को हम लोग क्या करेंगे, राइट डाउन कर लेंगे, 2.71 प्लस 2.80, इन सारे डेटास को ऐड करके और हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मीन मिल जाएगा 13.12 डिवाइडेड बाय 5, दैट मींस इक्वल टू 2.624 सेकंड। तो हमें इसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो ये देख सकते हैं कि 5 से लेस डिजिट है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। सो जो टी मीन होगा वो हो जाएगा 2.62 सेकंड। अब हमें अरिथमेटिक मीन और ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स पता करना है, तो पहले हम सारे एब्सोल्यूट एरर्स को पता करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडुलस यूज करना पड़ेगा, 2.62 मॉडुलस, इसलिए क्योंकि एरर्स जितने भी होते हैं सारे एरर्स एडिटिव होते हैं, तो हमें सबको एडिशन के फॉर्म में ही, प्लस के फॉर्म में ही लेना होगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो भी डेटा है उससे हम लोग माइनस करेंगे, तो ये जो डेट आएगा हमारा 0.01 सेकंड। सेकंड वन इज 2.62 माइनस 2.56 जो आएगा 0.06 सेकंड। इसी प्रकार हम सारे को माइनस करेंगे मॉडुलस फंक्शन के साथ, तो ये हमें एब्सोल्यूट एरर बता देगा और फिर हम इसका मीन ले लेंगे। ठीक है, तो फोर्थ वन इज 2.71, दैट इज इक्वल टू 0.09 सेकंड, एंड फोर्थ वन 2.62 माइनस 2.80, दैट इज इक्वल टू 0.18 सेकंड। तो इसका अगर हम मीन ले लें, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर का मीन, तो ये हमारा एब्सोल्यूट एरर हो गया, इसका हम मीन ले लेते हैं 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस
1/8, इन सबको ऐड करके हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एब्सोल्यूट मीन का एब्सोल्यूट एरर का अरिथमेटिक मीन मिल जाएगा, जो कि होगा 0.54 डिवाइड बाय 5, दैट इज इक्वल टू 1.1 सेकंड। तो हम लोग टी को, जो टाइम पीरियड है, उसको हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें परसेंटेज एरर निकालना हो, परसेंटेज एरर दैट इज इक्वल टू 0.11 डिवाइडेड बाय 2.62 इनटू 100, और ये हमारा आएगा 4.1%। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक, और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइए, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आगे कंटिन्यूअसली वीडियो बनाते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल सो वी कुड प्रोड्यूस मोर वीडियोस फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।